स्ट्रीट स्टाइल जबरदस्त टेस्टी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मतलब पिज्जा पास्ता सब फेल हो जाएंगे, घर वाले हफ्ते में 5 बार यही सैंडविच बनवाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मुंबई और दिल्ली का बहुत ही फेमस चीजी वेज ग्रिल्ड सैंडविच, जिसको आपने कई बार चीज लोडेड वेज सैंडविच के नाम से ट्रेंडिंग वीडियोस में भी देखा होगा और दिल्ली मुंबई में तो पक्का ही खाया होगा। तो आज के इस सबसे पॉपुलर चीजी वेज ग्रिल्ड सैंडविच को मैं तवे पर बताने वाली हूँ, जिससे हर कोई आसानी से बना ले। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्ट्रीट स्टाइल सुपर टेस्टी और सुपर क्विक चीजी वेज ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 4 सैंडविच ब्रेड। आप यहाँ पर कोई भी ब्रेड, मल्टीग्रेन आटा कोई भी ले सकते हैं। आज के इस सैंडविच को बनाने के लिए आपको बटर की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए कैसे बनाना है इसे। ब्रेड लेंगे और ब्रेड पर सबसे पहले जो हम लेयर लगाएंगे वो होगी वेज म्यूनीज की, जो व्हाइट वाली म्यूनीज होती है ना, बस ये मैंने वो ली है। तो बस सबसे पहले इस तरह फटाफट लगा देंगे व्हाइट म्यूनीज, और बस इस तरह म्यूनीज लगा करके यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी वेजीज। आप अपने मन की या कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने ली है यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हरी वाली शिमला मिर्च। अच्छा, मेरे पास फ्रिज में पीली और लाल वाली भी थी शिमला मिर्च, तो मैंने वो भी थोड़ी बारीक बारीक काट ली है। आप चाहे तो ये पीली लाल वाली शिमला मिर्च हटा दीजिए। आपके पास टमाटर हो घर में तो बारीक बारीक टमाटर कट करके उसको भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो पत्ता गोभी भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी म्यूनीज के ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी डालेंगे शिमला मिर्च हरी वाली, थोड़ी सी लाल वाली शिमला मिर्च और थोड़ी सी पीली वाली। देखिए कितने सुंदर रंग लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा पनीर भी लिया है, बहुत ही मजे का लगता है ये पनीर के साथ सैंडविच, अगर हो तो आप जरूर डालें। तो ये छोटे छोटे क्यूब्स मैंने पनीर के कट कर लिए हैं, तो फटाफट से डाल देंगे पनीर के क्यूब्स इस तरह। ऐसी बनाते हैं ना वो स्ट्रीट पे फटाफट फटाफट ब्रेड लगाते हैं और तुरंत तुरंत सब चीजें म्यूनीज वगैरह डाल डालकर इस तरह से ऊपर से सब्जियां डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। क्रंच बना रहता है वेजीज का, पानी नहीं छोड़ती हैं सब्जियां। अगर पहले से नमक मिलाकर रखते हैं तो जनरली पानी छोड़ देती हैं, तो वो मजा नहीं आता सैंडविच में। शायद यही रीजन है कि वो लोग अलग अलग काट कर रखते हैं और फिर तुरंत ही सैंडविच बनाते हैं। सभी चीजों के अल्टरनेटिव्स भी मैं आगे आपको भी बता दूंगी। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। मतलब इस सैंडविच के अंदर आपको पास्ता का भी पिज्जा का भी सारे टेस्ट आने वाले हैं। और डाल देंगे पिज्जा वाली सीजनिंग। तो ये मेरे पास पिज्जा वाली सीजनिंग है, आपके पास अगर ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स, चाइनीज सीजनिंग कोई भी हो वो यहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें ना हो तो आप इसको दूसरे फ्लेवर में बना सकते हैं, मतलब चाट मसाला वगैरह, सिंपल लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाल सकते हैं, तो वो दूसरे फ्लेवर का आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा। और बस इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ एकदम स्ट्रीट वालों की तरह से ये पिज्जा वाली सॉस थोड़ी सी। इसकी जगह आप टोमेटो केचप या शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। सब चीज बताती जा रही हूँ, मतलब भूख लगे। घर में जो भी फ्रिज में चीजें अवेलेबल हो आप ये सैंडविच तो बना ले। अच्छा, साथ में इसको जबरदस्त लुक देने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इस पर लगा रही हूँ ये तंदूरी वाली मेयोनीज। बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डालिएगा, वरना सिंपल व्हाइट वाली भी लगा सकते हैं, उसके बगैर भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल वो मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए बिल्कुल वैसे ही सजा रही हूँ। और थोड़ी सी इसके ऊपर से ही मैं डाल रही हूँ ये स्वीट कॉर्न। उबली हुई स्वीट कॉर्न है तो फ्रोजन हो तो वो ले सकते हैं आप। तो जरा सी इसके ऊपर डाल देंगे, बढ़िया लगता है इसका टेस्ट। और अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लीजिए दूसरी ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर इस तरह से रखिए, हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर इस चीजी वेज ग्रिल्ड सैंडविच को मैं बनाने वाली हूँ तवे पर, तो हम एक ट्रिक लगाएंगे। गैस पर चढ़ाएंगे तवा, यहाँ पर मेरे पास ये लाइन वाला तवा है तो मैंने ये ले लिया है, जिससे आपको वो ग्रिल वाला लुक आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा प्लेन वाला तवा हो तो आप ये उस पर भी बना सकते हैं। तवे को हल्का सा करेंगे गरम और इस पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी। सैंडविच आप घी, तेल, बटर जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। यूजुअली घी में ज्यादा बढ़िया लगता है सैंडविच, कुरकुरापन भी अच्छा आता है, इसलिए मैं घी ले रही हूँ। अब इस पर हम रखेंगे हमारा तैयार सैंडविच। अब आप सोच रहे होंगे पारुल चीज तो डाला ही नहीं, अभी बताऊंगी ना मैं आपको आगे कि क्या करना है हमें। नीचे से लो मीडियम फ्लेम पर सैंडविच को सिकने देंगे, सिर्फ नीचे से, ऊपर से नहीं सेकना है, बस नीचे से। सिर्फ 1 मिनट में ये नीचे से कुरकुरा हो जाएगा। ये देखिए मैं ऐसे खिसका रही हूँ सैंडविच को, तो आवाज आ रही है, यानी नीचे से सिक गया है। और ये देखिए मैं उठाकर दिखाती हूँ, सिक गया ना। तो बस अब आप अपना सैंडविच उठाइए और तवे से सैंडविच को इस तरह उतार लीजिए। एक साइड हमें बिल्कुल नहीं सेकना है, बिल्कुल देखिए इस तरह बहुत ही आराम से। अब जिस साइड हमने सैंडविच को सेका है ना वो ऊपर आ गई, ये देखिए इस तरह। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वापस से थोड़ी सी पिज्जा वाली सॉस। और अब इस पर डालेंगे पिज्जा वाला चीज यानी मोजरेला चीज। अब यहाँ ऑप्शनल में आपके पास इस तरह के क्यूब्स हो प्रोसेस चीज वाले तो वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं।
या फिर अगर आपके पास घर में चीज स्लाइस हो जो यूजुअली हम सबके यहाँ रहती ही है, तो सिंपल चीज स्लाइस ऊपर से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें चीज ही बनाना है ना सैंडविच को, तो इस तरह हम तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी वाली शिमला मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी प्याज, इससे ना लुक अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा डाल देंगे सीजनिंग हल्की फुल्की बस, और तवे पर लगाएंगे हल्का सा घी। अब जिस साइड से हमारा सैंडविच सिका नहीं था ना, बस उठाएंगे और सैंडविच को तवे पर इस साइड से रख देंगे, यानी चीज वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ इस तरह से एक लिड। तो अगर लिड हो तो लिड ले लीजिए, या कोई बड़ा बर्तन हो तो वो आप उससे ढक सकते हैं, जिससे कि जो स्टीम है वो बने और गर्माई से जो हमने ये पिज्जा चीज डाली है ना, वो बढ़िया से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरह ढका रहने देंगे सैंडविच को 1.5 से 2 मिनट के लिए बस। तो जब तक हमारा एक सैंडविच हो रहा है तैयार, फटाफट दूसरा सैंडविच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। है ना कितना आसान, कोई आलू नहीं उबालना, कोई बटर का काम नहीं, कोई सब्जियों को पहले से मिक्स करके बहुत कुछ आपको स्टफिंग नहीं बनानी है। सिंपल बस वेजेस लीजिए और फटाफट से डालते चले जाइए। और 1.5 से 2 मिनट बाद धीरे से प्लेट को हटाएंगे और सैंडविच को चेक करेंगे। और ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखा रही हूँ, हर तरफ से परफेक्ट हमारा सैंडविच सिका है और प्रॉपर चीज मेल्ट होके एकदम जबरदस्त लुकिंग आई है। बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल वाला जो ट्रेंडिंग सैंडविच है, बनाया ना बिल्कुल वैसा ही, वो भी तवे पर। बहुत इजीली आप बना लेंगे। और देखिए नीचे से एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आया है, मैं आपको देखिए इस तरह उठाकर दिखा रही हूँ, परफेक्ट। तो बस सैंडविच को निकाल लेंगे और बस इस सैंडविच को अब हम कट करेंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, जैसे वो लोग काटते हैं ना, बस वैसे ही 4 पीसेस इस तरह से कर देते हैं। और इसे किया जाता है इस तरह पेपर प्लेट पर सर्व, मैं पूरा तरीका आपको दिखा रही हूँ। और ऊपर से डाल देते हैं पिज्जा वाली सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स, और देते हैं साइड में थोड़ी सी सॉस। लीजिए हो गया हमारा जबरदस्त टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चीजी वेज सैंडविच। तो चलिए ये तो हो गया तैयार, एंड में मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सर्विंग। फटाफट बनाते हैं दूसरा सैंडविच। और ये देखिए हमारा दूसरा सैंडविच भी झट से बनकर के बिल्कुल तैयार है, और बस इसके ऊपर मैं यहीं पर डाल रही हूँ सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। मस्त बनाए, मतलब देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो बस इसको भी निकाल लेंगे और करते हैं सर्व। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है स्ट्रीट स्टाइल सुपर टेस्टी और फेमस चीजी वेज सैंडविच। और मैंने यहाँ सर्व कर दिया है थोड़ी सी केचप और मेयोनीज के साथ, साथ में थोड़े से चिप्स। एकदम आ गया ना वही बाजार वाला लुक, कैफे स्टाइल वाला। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर पूरा क्रीमी क्रीमी, एकदम पिज्जा पास्ता वाली इसके अंदर टेस्ट है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस स्पेशल वेज चीज सैंडविच की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स और मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।